कोरोना के वार जारी हैं। एक रोज में 502 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के रिकॉर्ड मुतासरीन 79 की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। 136 आईसीयू में जेरे इलाज हैं, जबकि 5 वायरस की ताब ना लाते हुए शहर में चल बसे। कोरोना के वार जारी हैं। एक रोज में 502 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की सूरत हाल है जो कि बिगड़ती जा रही है। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। बसाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में रोजाना इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में जो है वो 502 रात के अंदर कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक हुई। सुबह भर के अंदर जो है वो तकरीबन 790 के करीब अफराद में जो है वो कोरोना की तस्दीक हुई, जिनमें से 502 का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जाता है। इसी तरह जो गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हारे हैं। और अब जो लाहौर शहर में अम्बाद की मजमूई तादाद है वो 1520 तक जो है वो जा पहुंची है। साथ ही साथ जो है वो इस वक्त 98 अफराद हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, और उनको इस वक्त मुख्तलिफ सरकारी और निजी हस्पतालों के जो वेंटिलेटर बेड्स हैं उन पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी तरह शहर के अंदर जो जेरे इलाज अफराद हैं उनमें से 136 के करीब अफराद को जो है वो ICU के ऊपर जो है ICU में तिबी सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि 260 से ज्यादा हैं जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट पे जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 23.5 लाख से ज्यादा अफराद के जो है वो तशखीसी टेस्ट किए जा चुके हैं अब तक, जबकि 1,21,000 से ज्यादा अफराद जो है वो इस वायरस को शिकस्त देकर कामयाबी से घर वापस लौटे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया 98 अफराद शहर के अंदर जो है वो उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर्स पर तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो अब तक कोरोना वायरस की असर अंजाम देते हुए 2,700 से ज्यादा ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स थे जो इस वायरस की जद में आए। तो जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं और जिले इंतजामिया की जानब से जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी जो है वो अहकाम हैं, और लोगों से जो है वो यही इल्तजा की जा रही है कि जो एहतियाती तदाबीर है उन पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करें ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव को रोका जा सके। बसाम, एहतियात की हिदायत तो की जा रही है, अहकाम भी जारी किए जा रहे हैं पॉलिसी के हवाले से जिले इंतजामिया की जानब से, लेकिन जिले इंतजामिया हवाले से खुद कितनी मुतहरिक नजर आ रही है और कितने ऐसे कुल इलाके हैं लाहौर के जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है और क्या उस पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है? जी, चंद रोज कबल पहले जो है वो जो हाईली इफेक्टेड एरियाज थे उनके वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन किया गया। चंद रोज कबल जो है वो 22 मजीद लाहौर के इलाकों को जो है वो लॉकडाउन किया गया था, जिसके अंदर डिफेंस के मुख्तलिफ एरियाज, इसके साथ साथ इलामा इकबाल टाउन, केनाल रोड की कुछ एरियाज थे, साथ ही साथ अस्करी 10 और गुलबर्ग और जो कैवेली ग्राउंड है उनके इलाके शामिल थे। जौहर टाउन का भी जो है वो ए ब्लॉक इसके अंदर शामिल था। चंद रोज कबल भी जो है वो हमने देखा कि जौहर टाउन का जो खसूसी तौर पर ए ब्लॉक के लिए जो है वो कोई जिले इंतजामिया की जो है वो कार्रवाई नहीं नजर आई, वहाँ पर किसी किस्म के बैरियर्स नहीं नजर आ रहे थे। लॉकडाउन का जो है वो मकसद यही था और जो SOP जारी की गई थी वो यही थी कि वहाँ पर लोगों की नकलो हरकत को जो है वो रोका जाए, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो अफराद हैं उनको सिर्फ वहां से आने जाने की इजाजत जो है वो दी जाए, मगर किसी किस्म की कोई नफरी जो है वो मुकम्मल एरियाज के अंदर जो है वो तैनात नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से जो केसेस हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा, बस हम वैक्सीनेशन के हवाले से भी बताएगा, कोरोना की जो इस वक्त ट्रायल जारी है वैक्सीनेशन के, और ये प्रोसेस अभी तक कहाँ पहुंचा है? जी, दिसंबर के इख्तिताम पर जो है वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से एक चाइनीज जो वैक्सीन है उसके ऊपर ट्रायल्स किए जा रहे हैं, और दिसंबर के इख्तिताम तक जो है वो यही बताया जा रहा है कि वो जो ट्रायल्स हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अब तक जो है वो बेशतर ऐसी सियासी और समाजी रहनुमा हैं, शख्सियात हैं जो वहाँ पर जाके अब तक जो है वो वैक्सीनेशन करवा चुकी हैं। गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया ने भी जो है वो वैक्सीनेशन करवाई, और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि मकसद सिर्फ यही है कि लोगों में जो है वो शऊर पैदा किया जाए कि वो आगे बढ़कर जो है वो इस वैक्सीनेशन ट्रायल्स में हिस्सा लें, क्योंकि ये बताया जा रहा है वाइस चांसलर UHS की जानिब से कि वो ममालिक जो ट्रायल्स को जो है वो बर वक्त मुकम्मल करेंगे, उनको जो वैक्सीनेशन अप्रूव होने के बाद जो है वो उन ममालिक को वैक्सीनेशन की फ्राहमी में जो है वो तरजीह भी दी जाएगी। तो इसी वजह से जो है वो यही बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो तकरीबन 9,000 से ज्यादा
ऐसे अफराद हैं जिनको जो है वो वैक्सीनेट किया जा चुका है और वो रजाकाराना तौर पर जो है वो आए और उन्हें वैक्सीनेशन करवाई और उसके बाद जो है वो बताया यही जा रहा है कि दिसंबर के अख्तिताम में जो है वो ये ट्रायल फेज खत्म होगा और उसके बाद जो है वो वैक्सीनेशन कमर्शियली मार्केट में जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा बसाम, कंसर्न तो यकीनन नजर आ रही है इस वक्त, हुकूमत काफी कंसर्न है कोरोना को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, और गुफ्तगू भी कर रही है इस हवाले से, लेकिन अस्पतालों में इस हवाले से क्या मौसर इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? जी, जो इस वक्त जो पॉलिसी हुकूमत की जानिब से और महकमे की जानिब से अपनाई गई है उसके अंदर जो है वो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिनके अंदर कोई अलामत जो है वो जाहिर नहीं है, उनको घर में जो है वो क्वारंटाइन करने के अहकाम जारी किए गए हैं। उनको घरों में जो है वो क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि वो हस्पतालों में आकर, हस्पताल में सिर्फ उन अफराद को जो है वो एडमिट किया जा रहा है जिनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। तो सबसे पहले जो है वो पेशेंट्स को इस टाइम जो है वो फोकस यही है कि मेयो अस्पताल जब तक फिल नहीं होता तब तक जो है वो दीगर अस्पतालों की तरफ भी जो है वो सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख नहीं किया जा रहा। अभी जो भी पेशेंट्स आते हैं जो क्रिटिकल होते हैं उनको मेनली जो है वो मेयो अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ शहर के बेशतर टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो डेजिग्नेट किए गए हैं जहाँ पर कोरोना वार्ड जो है वो कायम किए गए हैं, और महकमे की जानिब से जो है वो यही बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो अगर किसी किस्म की सूरत हाल होती है तो मजीद जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, जो फील्ड हॉस्पिटल जो बनाया गया था उसको जो है वो फिर से मुकम्मल तौर पर जो है वो फंक्शनल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि तैयार हैं, और अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो जो एक्सपो सेंटर के अंदर जो फील्ड अस्पताल कायम किया गया था उसको एक दफा फिर जो है वो मुकम्मल तौर पर चालू किया जा सकेगा। जी बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।